क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे छक्के, टॉप 10 लॉन्गेस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, क्योंकि दुनिया भर के लाखों करोड़ों प्रशंसक क्रिकेट को बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते हैं। वैसे तो क्रिकेट के हर पहलू में दर्शकों को रोमांचित करता है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी गगनचुंबी छक्का लगाता है तब उसका मजा ही अलग होता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे ही सबसे लंबे छक्कों के बारे में। नंबर 10, क्रिस गेल 116 मीटर्स। दोस्तों, सिक्सर किंग और यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, और आपको ये भी मालूम होगा कि उन्हें छक्के लगाने में महारत हासिल है। लेकिन क्या आपको पता है, क्रिस गेल सिर्फ सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ियों में भी गिने जाते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने करीब 116 मीटर का छक्का लगाया था। जी हाँ, ये वाक्य 2010 में हो रहे T20 वर्ल्ड कप के दौरान तब हुआ था, जब वेस्ट इंडीज और भारत के बीच हो रहे इस मैच में भारत की तरफ से यूसुफ पठान गेंदबाजी कर रहे थे। ये छक्का इतना ज्यादा शानदार था कि जिस किसी ने भी इसे देखा था वो इसकी तरफ देखता ही रह गया था। नंबर 9, कोरी एंडरसन 116 मीटर। कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के एक बहुत ही जाने माने बल्लेबाज है, जो कि अपनी धाकड़ और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब जब वो इतने आक्रामक बल्लेबाज हैं, तब उनका छक्के मारना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो अपनी पारी के दौरान अक्सर छक्के मारते ही रहते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो सबसे लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ियों में से भी एक है, क्योंकि उन्होंने 2014 में भारत के खिलाफ एक बहुत ही शानदार छक्का लगाया था, जिसे देख गेंदबाज तक हैरत में पड़ गया था। दोस्तों, ये छक्का कितना शानदार और लंबा रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई करीबन 116 मीटर रिकॉर्ड की गई थी, जिसे देख मैदान पर बैठे हर एक व्यक्ति के होश उड़ गए थे, और यही वजह थी कि सब उनके लिए तालियां बजाने लगे थे। नंबर 8, शाहिद अफरीदी 117 मीटर। क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे छक्कों की बात हो रही हो और उसमें शाहिद अफरीदी का नाम ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि जब शाहिद अफरीदी छक्के लगाते हैं तब बॉल सीधी स्टैंड्स में जाकर गिरती थी। 2005 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम जब पर्थ में मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच खेल रही थी, अब उसी मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा छक्का लगाया था जिससे पूरे स्टेडियम में हलचल मच गई थी। दरअसल ये छक्का 117 मीटर का था, जो कि इतना ज्यादा लंबा था कि इसे देख स्टेडियम में बैठे पाकिस्तान समर्थक खुशी से झूम उठे थे और जश्न मनाने लगे थे। नंबर 7, MS धोनी 118 मीटर। दोस्तों, क्रिकेट में छक्के तो बहुत से खिलाड़ी लगाते हैं, लेकिन जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगाते हैं, तब उनका छक्का देखते ही बनता है, जिससे कोई भी नजरें नहीं हटा सकता। अपने हेलीकॉप्टर शॉट के लिए दुनिया भर में फेमस धोनी भी उन बल्लेबाजों में शुमार हैं जिन्होंने क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का लगाया है। जी हाँ, 2009 में जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई हुई थी, तब एक मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने यह कारनामा किया था। दोस्तों, धोनी का ये छक्का 118 मीटर लंबा था, जिसे देख हर कोई स्तब्ध रह गया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छक्के को लगाने के बाद धोनी ने गेंद की तरफ देखा भी नहीं था, जो कि उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। नंबर 6, मार्क वॉ 120 मीटर। मार्क वॉ ऑस्ट्रेलिया टीम के एक बहुत ही जाने माने और लोकप्रिय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी दम पर ऑस्ट्रेलिया को बहुत से मैचों में जीत दिलाई है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज इतना शानदार था कि हर कोई उनकी बल्लेबाजी का कायल हो जाता था। और क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि मार्क वॉ भी क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं? जी हाँ, क्योंकि इन्होंने 1997 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच के दौरान न्यूजीलैंड के जाने माने गेंदबाज डैनियल वेटोरी की एक गेंद पर करीबन 120 मीटर का छक्का लगाया था, जिसे देख स्वयं डैनियल वेटोरी भी हैरान रह गए थे। आज भी उनका यह छक्का क्रिकेट फैंस के दिलों में बसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने इसे एक महान स्पिनर की गेंद पर लगाया था। दोस्तों, इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। नंबर 5, युवराज सिंह 125 मीटर। युवराज सिंह का नाम इस लिस्ट में होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो दुनिया भर में छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं, और 2007 में उनके द्वारा लगाए गए 6 गेंदों पर 6 छक्कों को तो कोई भारतीय भूल ही नहीं सकता। वैसे तो युवराज सिंह ने अपने करियर में बहुत से लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे लंबा छक्का 125 मीटर का है, जिसे उन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान लगाया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मैच में जब युवराज सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे,
तब ऑस्ट्रेलिया के जाने माने गेंदबाज ब्रेट ली की एक गेंद पर उन्होंने यह कारनामा किया था, जिसके बाद ब्रेट ली सहित सारे ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ दर्शक बन गई थी। नंबर 4, जेकब ओरम 130 मीटर। जेकब ओरम न्यूजीलैंड टीम के एक बहुत ही जाने माने बल्लेबाज हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को कई बार अपने दम पर बहुत से मैच जिताए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, जेकब ओरम सिर्फ अच्छी और आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं करते, बल्कि वो जबरदस्त छक्के भी लगाते हैं। उनके करियर का सबसे लंबा छक्का 130 मीटर का है, जो उन्होंने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहे एक वनडे मैच के दौरान लगाया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 332 का बड़ा लक्ष्य दिया था, जिसे चेस करने के लिए ओरम लगातार शॉट लगाए जा रहे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके इस छक्के को देखकर खुद कमेंटेटर तक हैरान रह गए थे, क्योंकि यह छक्का स्टेडियम की तीसरी स्टोरी पर जाकर गिरा था। नंबर 3, ब्रेट ली 135 मीटर। ब्रेट ली का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वेल, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया के एक जाने माने गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपनी जबरदस्त तेज गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक शानदार गेंदबाज होने के बावजूद भी ब्रेट ली का नाम क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल है, क्योंकि उन्होंने 2005 में एशेज सीरीज के दौरान गैबा ग्राउंड पर एक गगनचुंबी छक्का लगाया था, जिसे भूल पाना किसी भी ऑस्ट्रेलियाई फैन के लिए मुश्किल है। यह छक्का करीब 135 मीटर लंबा था, और यही वजह थी कि इस छक्के के लगाने के बाद गेंद सीधी गैबा स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी थी, जिसे देख दर्शकों समेत मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और अंपायर तक हैरान हो गए थे। नंबर 2, शाहिद अफरीदी 159 मीटर। बूम बूम, शाहिद अफरीदी का नाम दोबारा इस लिस्ट में देखकर आपको जरा भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेट में लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए ही जाने जाते हैं। अपने करियर में बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर चुके अफरीदी ने 2013 में मॉडर्न क्रिकेट का अब तक का सबसे लंबा छक्का लगाया था, जो कि 158 मीटर लंबा था। शायद ही आपको मालूम हो कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच हो रहे इस मैच के दौरान जब अफरीदी ने यह छक्का लगाया था, तब उस वक्त स्टेडियम में मौजूद हर एक व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि इस छक्के के बाद बॉल स्टेडियम की छत पर नहीं बल्कि स्टेडियम को पार करते हुए सीधी स्टेडियम के बगल में मौजूद एक गोल्फ कोर्स में जाकर गिरी थी, जिसने इतिहास बना दिया था। नंबर 1, अल्बर्ट ट्रॉट 160+ मीटर। अल्बर्ट ट्रॉट क्रिकेट के शुरुआती दौर के एक मशहूर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों की तरफ से क्रिकेट खेला है। खैर, 1900 के समय क्रिकेट में एक खिलाड़ी दो टीमों से भी खेल सकता था। अगर हम आधुनिक क्रिकेट में देखें तो मौजूदा समय में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है। लेकिन जब बात पुराने समय के क्रिकेट की आती है, तब उस दौरान सबसे लंबा छक्का अल्बर्ट ट्रॉट ने ही लगाया था, जिन्होंने एक मैच के दौरान करीबन 160 मीटर से भी ज्यादा लंबा छक्का लगाया था। खैर, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उस समय के क्रिकेट में बहुत सी चीजें अलग थी, जो कि आज के आधुनिक क्रिकेट में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा छक्का यही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते इसे अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।